Hey guys, good morning. Welcome back to our new video. तो finally आज जो हम लोग ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत लोग चाहते थे कि हम लोग ये वीडियो बनाएं, तो फाइनली आज हम ये बना रहे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी लुधियाना से मुंबई की जर्नी क्या थी, कैसे हम लोगों ने वहाँ से सामान यहाँ भेजा, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, शिफ्ट होते ही हमको इतनी सारी ये डेकोरेशन, इतना सारा पूरा सामान का सेटअप और सारा कुछ हमें कैसे मिला। लुधियाना से और मुंबई आने के बीच में जो दिन थे, मतलब हमारे घर छोड़ने से और मुंबई आने के बीच के जो दिन थे वहाँ पे, वो हमने कहाँ पे बिताए, हम कैसे कैसे रहे, हमने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, तो वो सारा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। शुरू करते हैं कहाँ से, डेट तो मैं भूल ही करते हैं डेट तो मैं भूल ही 16th of September। तो गाइस 16th of September की बात है, जिस दिन जब हमने यहाँ से अपना, मतलब लुधियाना से हमने अपना सारा सामान मुंबई के लिए मूव किया। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा लोगों की ये क्वेश्चंस हैं कि हमने ये डिसीजन, मतलब लुधियाना से मुंबई आने का डिसीजन हमने क्यों लिया, ऐसा डिसीजन क्यों। तो उसके पीछे ऐसे तो हम लोग पहले ही बहुत पहले डिसाइड कर चुके थे कि हमें मूव करना है, बट हमारा इतना जल्दी जल्दी ये सब कुछ होगा हमें ये नहीं पता था, मतलब इतनी जल्दी हमने चीज़ें करनी है। तो गाइस ये कहानी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी और मूव ऑन करने का भी हमारा डिसीजन बहुत पहले बन चुका था और सिटी हम चूज़ कर चुके थे। पहले स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न था कि दिल्ली और मुंबई, बट फाइनलाइज जो हुआ वो हुआ मुंबई, क्योंकि डुगू का बहुत मन था आने का और पहले से हमारी यहाँ से 2-3 चीज़ें चल रही थी, तो हमें लगा कि यहीं पे आना और सेटल करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बट इतना इजी नहीं था, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल से डिसीजन लिया था ये हमने, क्योंकि आप जानते हो मुंबई के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे कमेंट में बोलते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। आने से ज़्यादा डर तो उन्हीं कमेंट्स को पढ़ पढ़ के लग जाता था, लेकिन वो चीज़ हमको पता थी क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे रह के गई हूँ एक महीना। मैंने तो ऑलरेडी पानीपुरी खा के 2016-17 में जब हमने पानीपुरी खा के रातें निकाली थी कि खाना चलो ठीक है, नहीं पानीपुरी खा के सो जाते हैं, वाले दिन भी मैंने जिए हैं यहाँ पे मुंबई में। उस टाइम पे पानीपुरी सस्ती थी, अब तो महंगी हो गई है सही में। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो हमारा मतलब ये था कि अब बस करना ही है पक्का डिसीजन, या तो दिल्ली या मुंबई, दोनों में से कोई एक चूज करना था। तो दिल्ली हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि दिल्ली में सब कुछ ही नया था हमारे लिए, वैसे हमारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि सपोर्ट नहीं था पीछे से कुछ भी, बिल्कुल भी कुछ बैकअप नहीं था कि वहाँ पे जाके करना क्या है, जॉब बिजनेस या दिल्ली के लिए मैं कभी कंफर्टेबल नहीं थी, दिल्ली सिटी के लिए मैं कभी कंफर्टेबल फील नहीं होता था। तो फिर हमने मुंबई से, जैसा कि आपको पता है मेरा ऑलरेडी एक ऑनलाइन बिजनेस चल रहा था, तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है ऑनलाइन जो चल रहा है उसको अब मैं जाके वैसे संभालती हूँ। तो फिर इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग जाएंगे मुंबई। आगे बताइए आप क्या हुआ। तो सबसे मेन रीज़न हमारा शिफ्टिंग का ये था क्योंकि हम अभी प्रेजेंट में हैं, बट हमें अपना फ्यूचर भी देखना था कि फ्यूचर में हमने क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, क्योंकि जो लोग स्पेशली पंजाब से हैं, पंजाब से क्या वैसे भी यार नॉर्मली भी ये चीज़ें आती हैं कि जो सोसाइटी होती है ना वो आपको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, एक्सेप्टेंस शो कर सकते हैं बट इंटरनली वो चीज़ें नहीं दिखती। तो हमारा इसलिए भी था कि फैमिलीज़ को हमारी आगे के लिए प्रॉब्लम्स ना आए हमारी वजह से स्पेशली। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम अभी सिर्फ प्रेजेंट में नई चीज़ें सारी कर सकते, हमें अपना फ्यूचर भी देखना था कि आगे कैसे क्या चीज़ें करनी है, और जो जिस जगह में हम रह रहे थे या फिर मैं ओवरऑल भी बात करूँ तो लोगों की जो मेंटालिटी है वो अभी तक वहीं टिकी है, लड़का और लड़की, आप लोग वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकते हो, तो हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए थी यार, कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी। तो फाइनली हमने डिसीजन लिया कि हम लोग मूव ऑन करेंगे और एक अलग शहर में रहेंगे जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े और हमारी वजह से फैमिली को उस चीज़ के लिए फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और दूसरा, हमने अपना प्रेजेंट के साथ साथ अपना फ्यूचर भी सेव करना था, तो हमें यही एक बेस्ट ऑप्शन लगा कि हमें मूव ऑन करना चाहिए और मुंबई के लिए करना चाहिए।
हालांकि ये जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत बहुत कुछ था इसमें हमारे साथ। जिस दिन हमने डिसीजन लिया, और मैं बात कर रही हूँ 16th of September की, जिस दिन हमारा सारा सामान यहाँ से मूव हुआ लुधियाना से मुंबई के लिए, हमारे साथ एक बहुत बड़ा पोपट हो गया। मैं आपको वो भी बताती हूँ कि क्या चीज़ें हुई थी। हमने एक एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ही बोलूँगी मैं, बैंकिंग से रिलेटेड, मैंने उनसे हेल्प ली थी मूवर्स एंड पैकर्स के लिए, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे क्या मूव करना है। तो मैंने डुगू को बोला कि मैं करती हूँ, तो मैंने बात की, उन्होंने मुझे नंबर दिया और हमने बात की। हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट पे हो गया डिसाइड कि हाँ भाई ये अमाउंट है। मेरी भी गलती ये हो गई कि मैंने उस बंदे से कोटेशन नहीं मांगी, ये मेरी गलती थी। और मैं सही बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था कि इसके लिए कोई कोटेशन आपको जनरेट करके देगा। उसने मुझे वर्बली एक अमाउंट बोली और मैंने वर्बली उस चीज़ को एक्सेप्ट करके ठीक है इतने में डन है, हमने अपना 16th of September को सारा सामान जो था वो वहाँ से मूव कर दिया। फिर जब मूव होने के बाद मैंने मतलब उसको बोला अमाउंट के लिए, तो हमारा ये था कि 20-25% अमाउंट हमने पहले पे करनी है, देन जब हमारा सारा सामान मुंबई में रिसीव हो जाएगा तब पे करना है। ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम अपना सामान मूव करके हम लोग निकले थे वहाँ से हरिद्वार के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कि मैंने जो अपने डॉग्स को छोड़ा है, हमने वो मेरी बुआ के घर पे छोड़ा था हरिद्वार में ही है, वो भी हरिद्वार से थोड़ा सा डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर्स का एक विलेज है, तो वहाँ पर छोड़ा था। तो जैसे ही हम वहाँ से वो सब मूव करके निकले, तो रात को मेरे पास कॉल आता है अमाउंट के लिए। तो मैंने पूछा कितना अमाउंट करना है, तो पहले तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई कि जो अमाउंट हमने फिक्स की थी उस अमाउंट से वो बंदा मुकर गया, हमारा सामान ले जाके वहाँ से लोड करा के, और वो उससे डबल अमाउंट पे मतलब उसने बोला, और वो कहता है कि नहीं मेरी इसी अमाउंट के लिए बात हुई थी। अब आप लोग समझ सकते हो ना, ये चीज़ आपका सामान कोई आपके घर से लेके जा चुका है और उसके बाद वो अपनी बातों पे मुकर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में मतलब। और वहाँ से जो उनका गोडाउन था ना, वो गोडाउन से भी मूव कर चुका था मुंबई के लिए, ठीक है। हम लोग बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे मतलब स्टक हो चुके थे कि क्या करना है। तो मैंने उसको बोला कि भैया मेरी इतनी इतनी अमाउंट में बात हुई है, मैंने डुगू को भी मतलब डुगू के सामने ही मैंने बात की थी, और 5-6 बार मैंने उससे कंफर्म किया कि यही अमाउंट रहेगी ना, कोई हिडन चार्जेस नहीं है ना। उसके बाद वो कहता है कि नहीं इसमें आपका इतना इंश्योरेंस लगेगा, इतना आपका GST लगेगा, इतना आपका ये चार्ज लगेगा, मतलब उसने हमारा बहुत बड़ा वाला पागल बना दिया। उसके बाद जैसे कैसे करके उस बंदे ने बोला कि अच्छा, जबकि वो ऑनर था उस जो भी वो चला रहा था उसका ऑनर था, बट उसने हमें ऐसे शो किया कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, मैं देखता हूँ अगर इसमें कुछ हो सकता है तो। मतलब हम लोग फंस चुके थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, तो हम टेंशनों में ही थे कि भाई ये सामान पहुँचा दे किसी तरीके से। उसके बाद हमारी अगली मॉर्निंग उससे फिर बात हुई, फिर जाके उसने अमाउंट को जो वो बोल रहा था डबल पे जाके वो हाफ पे ले आया कि चलो इतना पे करो। तो चलो हम उस चीज़ पे भी मान गए कि भाई चल ठीक है हम इतने पे वो कर देते हैं। यहाँ पे कहानी दूसरी स्टार्ट हो जाती है जब वो एक अमाउंट डन हो गई कि चलो इतने पे ही करना है, हमने वहाँ से रिकॉर्डिंग करनी शुरू की उसकी। उसके बाद वो बंदा कहता है कि अमाउंट पे कर दो, तो मैंने बोला कितना करूँ अभी, क्योंकि हमारा तो वही था कि 20-30% करना है, उसने खुद ही अपने मुँह से बोला था। लेकिन जो बंदा अपनी हर बात से मुकर रहा है वो इससे तो मुकरता ही ना, उसने हमें बोला कि पूरी अमाउंट पे करो अभी, क्या भाई। फिर हम परेशान, फिर हम फंस गए बहुत बुरे तरीके से कि क्या करना है। ये था कि अगर पूरी अमाउंट अभी पे कर दी और उसके बाद ये सामान पहुंचाता है कि नहीं, क्योंकि वो अपनी हर बात पे मुकर रहा था। और तब तक हमारे पास कोई बिल नहीं आया था, हमारे पास कोई बिल नंबर नहीं था, गाड़ी का नंबर नहीं था, कोई ड्राइवर का नंबर नहीं था, और वो बंदे का जो ऑफिस था वो खुद चंडीगढ़ में था। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि ये सब चीज़ें मतलब कैसे क्या हो रही है, हम फेथ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बंदा अपनी हर एक बात पर मुकर रहा था। मुझे ये फील हो रहा था कि यार वो बंदा कोई साइको है, इतना सामने सामने झूठ बोले जा रहा था वो। मतलब उसने पहली बार में जब अमाउंट अपनी चेंज की डबल करके मुझे बताई, तो उसने मुझे ये बोला आपके पास कोई प्रूफ है कि मैंने इतने में फिक्स किया था। मैं शॉक्ड, मैंने कहा यार ये क्या है। तो हम ठहरे बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग, हम इतना सोचते नहीं हैं कि किसी से स्टैम्प पेपर पर लिखवा के लें। हम ये था कि उसने बोला है तो जबान की कीमत होगी, और मेरे लिए तो जबान की कीमत आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा है। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई। फिर हमने एक और फ्रेंड की अपनी हेल्प ली उसमें, ठीक है। तो उन्होंने फिर बात की वहाँ से, वो उनको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने बंदे ने मतलब परेशान किया कि ये नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था। फाइनली जैसे जैसे करके सारी चीज़ें फिक्स हुई, हमने उसको
और कितनी अमाउंट पे की थी, हाफ से ज्यादा पे कर दी थी, फिक्स नहीं हुई थी, फिर बीच में पुलिस वाले, हाँ एक पुलिस वाली चीज आई बीच में, हुआ ये कि उस बंदे ने नहीं मान रहा था, वो बंदा नहीं मान रहा था बिल्कुल, कहते नहीं पूरी अमाउंट पे करो, पूरी अमाउंट पे करो, हमें नहीं, सामान हमारा मुंबई पहुंच गया था, उसने बोला सामान आपका मुंबई पहुंच गया, अगर तो आज आपने पूरी पेमेंट कर दी तब तो आपके फ्लैट पे हम सामान पहुंचा देंगे, अदरवाइज गोडाउन में, गोडाउन में जाएगा, फिर आपको मेल डालनी पड़ेगी, फिर आपके इसमें 4-5 दिन वेस्ट हो जाएंगे, तो हमको लगा कि अब इसका ज्यादा हो रहा है, तो फिर हमने यहाँ पे हेल्प ली मुंबई में ही, हमने एक फ्रेंड से हेल्प ली जिनका अपना हाँ मुंबई पुलिस में अच्छा था, तो हमने फिर वहां से उनको कॉल कराया और उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी उनको भेजी, और उस बंदे ने सामने से फिर बात की, मतलब जो पुलिस वाले थे मुंबई में, उन्होंने फिर वो सारी चीजें बात की, उन्होंने कंप्लेन वगैरह रेज करने तक, मतलब कंप्लेन तक की बात आ गई थी कि अब इसके खिलाफ कंप्लेन करनी है कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे करके ये चीज फ्रॉड की है हमारे साथ, फिर जैसे कैसे करके उनसे बात करके एक अमाउंट फिक्स हुई कि भाई तू इतने में सामान भेज, वरना तो फिक्स हुई, फिर वो बंदा मान गया कि ठीक है आप एक काम करो आप मेरी कंप्लेंट मत कराओ, मैं इतने में सामान भेज देता हूँ, अच्छा जैसे कैसे सामान हमारे फ्लैट के नीचे आ गया, सामान ऊपर चढ़ भी गया, सेट भी हो गया, सारा कुछ हो गया, क्योंकि जो मूवर्स ऑन पैकर और वो सारी अमाउंट से भेज भी चुके थे, वो क्या करते हैं कि सामान पैक करके तुम्हारे घर से लेके जाएंगे, जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे सामान को अनपैकिंग करेंगे और सारा सेटल करके जाएंगे, ठीक है जी। अब जब सारा कुछ हो गया, जो छोड़ने आए थे सामान वो कहते हैं जी आपके ना कुछ अमाउंट पेंडिंग है तो वो आप मुझे दे दो, मतलब हमें दे दो, तो हम फिर शॉक्ड, उनका भाई ये क्या है, अभी तो बात हुई थी उससे कि पुलिस कंप्लेंट मत कराओ, इसी में ही सारा सेटल करते हैं ये वो, बंदा फिर मुकर गया, फिर मुकर गया, उनके ऊपर डाल दिया कि हाँ, वो पेंडिंग, अब जो ड्यू वो बेचारे नीचे खड़े हुए, उनकी क्या गलती है, वो तो बेचारे मतलब लेबर उसमें आ गया। एक्चुअली इसमें दो चीजें थी, हम लोगों को भी अभी पता चला है, हाँ। जिस बंदे को हमने मतलब ये ऑर्डर दिया था कि हमने ये चीजें करनी है, वो बंदा सिर्फ और सिर्फ ना एक मतलब क्या है ना ऑर्डर ले लेता है, और जो मूवर्स और पैकर्स वाले होते हैं वो अलग होते हैं, लॉजिस्टिक्स वाले वो अलग होते हैं जिनकी गाड़ी जाती है, तो उन्होंने उसने क्या किया कि उनसे डील कर ली जो भी उनका आपस का रहता होगा, और सारी अमाउंट खुद लेके बैठ गया, और एक एक्स्ट्रा अमाउंट ड्यू पे डाल दी, उनको बोल दे कि वो तुम रिसीव करो, हमारे तरफ से तो क्लियर था, फिर वहां पे बहुत ज्यादा मतलब चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई यहाँ पे इसी बिल्डिंग के नीचे, बेचारे वो खड़े रहे रात तक, और हमारी उससे बहस चलती रही, फिर हमने मना कर दिया भाई अब नहीं देंगे, अब बहुत ज्यादा हो गया इसका, अब देंगे ही नहीं, फिर दोबारा से वही पुलिस कंप्लेन वाली बात हुई, बड़ी मुश्किल से उससे हमने पीछा छुड़ा, बहुत मुश्किल से, सीरियसली कोई पागल था, सीरियसली कोई, मतलब मैं बता नहीं सकती कि अगर वो बंदा नजरों के सामने होता, हाँ उसने अपना आधार कार्ड भेजा था ना बाद में, चुनचुड़े ने दिमाग खराब किया, बहुत परेशान किया यार, मतलब बहुत ही परेशान किया, चलो फाइनली हमारा सामान पहुंचा और राहत में रहा था ये हमारे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि हमारे वो ट्रैवलर्स मतलब ट्रैवलिंग वाला जो डेज थे वो कैसे कैसे थे। हम वहाँ से अपनी बुआ के घर रुके, बुआ के घर हमने चार पाँच दिन स्पेंड किए थे, 4 or 5 days हमने स्पेंड किए वहाँ पे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा ना हमारे होते होते मतलब बिल्लू और चिक्की थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली हो जाए वहाँ पे ना सब, वो इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो गए कि हमें हमसे बात ही नहीं कर रहे थे जाने के टाइम पे, तो देखा था बिल्लू और चिक्की ने हमें देखा भी नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं कुछ तो रिएक्ट करो, बिल्लू कहते हैं अरे छोड़ो यार सोने दे डिस्टर्ब मत कर, वो तो चिक्की कहती है मस्त है वहाँ पे, मस्त अपना जी रहे, मस्त खाना, हमारी रोज बात होती है, वीडियो कॉल भी होती है, तो मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद गए हरिद्वार, हाँ मम्मी के घर पे गए फिर हम लोग, फिर वहाँ पे हमने कुछ डेज स्पेंड किए, फिर इसका जो ऑफिस का काम खत्म करना था थोड़ा सा जो पेंडिंग था, मतलब इसको अपना टैब सबमिट करना था, फाइनल सबमिशन था, वही हरिद्वार से ही सबमिट करना था, चलो ये भी अच्छा हुआ कि हमें वापस लुधियाना नहीं जाना पड़ा और वहीं पे वो सबमिट हो गया, तो वो हमने वहाँ पे सबमिट किया। देन उसके बाद हमको जाना था, जैसे आपको पता चंडीगढ़ से हमारी फ्लाइट थी, तो उसके बाद मैं अपने चाचा जी के यहाँ पे गई, फिर वहाँ से मेरा ब्रदर हमको चंडीगढ़ ड्रॉप करके आया, तो ये सारा हमारा ट्रैवलिंग वाले डेज रहे। इसके अंदर और तो कुछ नहीं, रिपोर्ट कैसे भूल सकते हो आप, बीच में हम लोग अपने फ्रेंड के घर पे भी गए थे, हाँ एक हमारी फ्रेंड है उसके घर पे, अच्छा आपको पता था बीच में एक पोपट और हुआ था, जल्दी जल्दी बना, हाँ बीच में हमारा पोपट ये हुआ, मैं बताऊंगी, बीच में हमारा पोपट ये हुआ कि मैंने अपने चाचा से बात की थी कि चाचा जी हमें कोविड की रिपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे बता दो कहाँ से टेस्ट होने हैं, ये वो फलाना ठीक है, तो उन्होंने मुझे बता दिया, एक बंदे का नंबर दिया, हमने उससे बात की तो उसने बोला आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता बना दूंगा आप, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए बट कोई बात नहीं, अब हम लोग आ गए हैं मुंबई में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो उसने बोला कि मैं ऐसे ही बना दूंगा, मैंने कहा ठीक है, तो हमने बोला कि हम आ जाते हैं सैंपल देने,
क्योंकि ये भी डोज ले चुके थे, मेरे तो फाइनल डोज भी लग चुकी है, उसने बोला मैं लगा दूंगा, मैं बना दूंगा, हम उसकी बातों पे रहेगा। मैंने उसको कम से कम 10 बार और मैंने इनको बार बार बोल रही हूँ कि चलो यार चलो 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 दे ही आते हैं सैंपल, मैंने कहा भरोसे पे मत रहो, अरे नहीं उसने बोल दिया बन जाएगी, टेंशन मत ले। मैंने उसको बोला कि ये बात है एक दिन पहले की, ये 30th September की बात है, दो दिन पहले की। हाँ। तो मैंने उसको, उसने बोला कि यार नहीं नहीं मिल जाएगी, भाई रात तक हम उसको फोन करते रहे। और गाइस इस रिपोर्ट के लिए आपको 24 घंटे का टाइम चाहिए। हाँ, इस रिपोर्ट के लिए। तो उसने बोला कि अभी दे रहा हूँ, ऐसे करते करते उसने रात को फाइनली अपना फोन बंद कर लिया। 1 अक्टूबर को हमारी 2 अक्टूबर को फ्लाइट थी और रात 1 अक्टूबर को 7 बजे से उसने अपना फोन बंद किया और ऑन नहीं किया, और हम पागल, हम मतलब हम लोग तब लोग जा रहे थे ना, रास्ते में ही थे उस टाइम, और हम पागल हो गए, हमने सारी जगह फोन घुमा दिया कि कैसे भी करके कुछ तो हो, कि कहीं से तो कुछ रिपोर्ट अरेंज हो जाए, बहुत कुछ किया हमने, मतलब सीरियसली एडिटिंग एंड ऑल बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, क्योंकि हमें ये कंफर्म था कि हमें एंट्री नहीं मिलेगी, मूवमेंट पे तो सैंपल देके भी नहीं, क्योंकि 24 आवर्स का टाइम चाहिए आपको सैंपल के बाद भी, तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। हमने जैसे कैसे बस फिर हमारी जैसे कैसे हमने करवा लिया और हम पहुंच गए सारे। और वो भी जैसे कैसे बताती हूँ मैं, रात को 12 बज गए थे, उसका वेट करते करते भी कि भाई अब रिपोर्ट आएगी, अब रिपोर्ट आएगी। वो रिपोर्ट अगली सुबह आई थिंक 8-9 बजे हमें रिसीव हुई, हम लोग रास्ते में थे चंडीगढ़ के, तब वो हमें रिसीव हुई। बट जब हम लोग एंट्री की हमने एयरपोर्ट पे चंडीगढ़ के, तो वहाँ पे रिपोर्ट्स का कुछ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ आपका बोर्डिंग पास और ये टिकट और ऑल मुंबई में था। लेकिन जैसे ही हम मुंबई के एयरपोर्ट को एग्जिट कर रहे थे, वहीं पे उन्होंने इतने बड़े बड़े लिखा हुआ था वहां पे, मतलब रिपोर्ट्स के लिए, फिर उस टाइम पे जाके मतलब हमें लगा कि हाँ भाई इसकी जरूरत है, तब वहां जाके उन्होंने रिपोर्ट चेक की, देन हमने एयरपोर्ट एग्जिट किया और फाइनली हम लोग पहुंच गए मुंबई। तो गाइस अब बात करते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी मतलब डेकोरेशन और ये सेटअप और ये सब कैसे था। तो ये एक सरप्राइज था डुगू के साइड से, जो उन्होंने मतलब मुझे मतलब डाउट तो हो रहा था कि ऐसा कुछ तो होगा ऐसे, क्योंकि मुझे पहले बाहर रोका गया था, तो मुझे वो चीज़ें थोड़ी समझ आ रही थी कि ऐसा कुछ है। तो इन्होंने एक ये पूरा डेकोरेट एंड ऑल ये सारी चीज़ें कराई थी यहाँ पे, और जिसके लिए मुझे बहुत गालियां पड़ी थी कि मैंने रिएक्शन नहीं दिया, अगला मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाऊंगी। ठीक है बाबू, उठा नहीं पाओगे ना तुम, मैं इसलिए नहीं गिरती, मेरा वेट देखो अपना वेट देखो। उससे ज्यादा रिएक्शन तो मैंने दिया था, ओ माय गॉड, मैंने इसको ऐसे रिएक्ट किया था कि मुझे भी नहीं पता। तो ये सारी चीजें थी, और अभी आप लोग देख ही रहे हो, बाकी जो भी हमारा यहाँ पे वगैरह वो सारा मैंने करवा दिया था, क्योंकि आपको पता है मुंबई बहुत फास्ट है, सब हो जाता है यहाँ पे, पैसा मेरे को सब होता है। स्प्राउट्स भी मिलते हैं यहाँ पे, कड़ी पत्ता भी बिकते हैं यहाँ पे। गाइज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर दूं कि जब तक मैं लुधियाना में रही, तब तक मुझे कड़ी पत्ता, राई, सरसों इन सबसे बड़ा प्यार था। जैसी मैं मुंबई में घुसी, यहाँ पे हर जगह जहाँ भी खाना बनता है वहीं पे कड़ी पत्ता और राई की इतनी ज्यादा स्मेल, जो मुझे पसंद नहीं है, इतनी ज्यादा आती है कि कल रात को हम जब वेजिटेबल्स लेने गए, तो मैंने जब हरा धनिया लिया, तो जो उसमें मतलब कड़ी पत्ता की 2 टहनियाँ थी तो सबसे पहले मैंने हरा धनिया खोला, वो कड़ी पत्ता निकाला और डस्टबिन में फेंका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस फ्लैट का रेंट कितना है, देखो वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना सोसाइटी का, इसलिए तो वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस फ्लैट में जो हमारा सामान है उसके अलावा जो हमें सामान मिला है उसका सबका हमने पे किया है अलग से, रेंट के अलावा। ठीक है, वो एक अलग से पे किया है, वो जब हम फ्लैट खाली करेंगे तो या तो उनसे ले भी सकते हैं या फिर यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, डिपेंड करेगा अभी वो। वो इसलिए इतनी सुविधा हमें इसलिए मिली है क्योंकि वो नॉन में है बंदा जिसे हमने लिया इसलिए। ठीक है, सेकंड थिंग कि जो भी मुंबई शिफ्ट होना चाहता है, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, सिर्फ शिफ्ट होने के लिए ही और यहाँ पे सारा आपको सामान लेने के लिए आपके पास कम से कम 1-2 लाख रुपए नहीं 2 लाख ज्यादा हो जाएगा, डिपॉजिट भी देना होता है, वो आप शायद ऐड नहीं कर रहे हो, सॉरी 1.5 के पास मान के चलो। अगर आपको ऐसा फ्लैट चाहिए तो 1BHK इतना खुला डुला फ्लैट चाहिए तो 1.5 लाख आपको चाहिए ही चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आपको यहाँ पे रेंट के साथ इसके अंदर आपको इसके अंदर ना आपका वो भी आ जाएगा, क्या बोलते हैं, रहना खाना पीना सारा सामान, अगर मैं मान के चलूँ थोड़ा बहुत, मतलब अगर आप एक सेमी फर्निश्ड लेते हो तो, और फिर साथ में अपना 1 महीने का खर्चा भी मान के चलो 1.5 में आराम से निकल जाएगा, तो ये इतना आपको चाहिए ही चाहिए। तो आई थिंक सबके डाउट अब क्लियर हो गए होंगे, और
सुनने में तो अभी इतना ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो हमने फेस की है चीजें इन बिटवीन, मतलब 16 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक टेंशन में ही थे हम लोग, इतना टेंशन जब तक यहाँ पे पहुंचे नहीं ना, हम लोग टेंशन में थे कि नहीं, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पहुंच भी पाएंगे, मतलब गाड़ी में एसी इतना तेज चल रहा था और हम इतनी टेंशन में बैठे थे जब हमारी रिपोर्ट्स नहीं आई थी कि मुझे ऐसी स्वेटिंग हो रही थी। मैं इसको कह रही हूँ मेरे को स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, मेरे को टेंशन हो रहा है, हर चीज हमारे लिए टेंशन क्रिएट कर रही थी, हर चीज पे हमें टेंशन हो रहा था कि कैसे क्या करेंगे क्या होगा। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ हम लोग आ चुके हैं मुंबई, अब अपना यहाँ पे थोड़ा सा बस करना है, उसकी भी हम आपको देते रहेंगे न्यूज़ क्या क्या करना है। तो गाइस फिलहाल के लिए करें वीडियो को एंड, फिलहाल के लिए गाइस करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी हमारे मुंबई लुधियाना टू मुंबई की जर्नी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें हमें, और अब मुंबई आके तो ज़्यादा सपोर्ट करना, खर्चे ज़्यादा है ना यहाँ पे तो इसलिए। तो मिलते हैं गाइस जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में जो भी होगा, वैसे Q&A आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, तो आप इस वीडियो में जो कमेंट्स करोगे उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो ताकि हमें Q&A के लिए यू नो मिल जाए। तो अभी फिलहाल करते हैं गाइस इस वीडियो को एंड, बहुत लंबा वीडियो हो गया यार। ओके टाटा बाय बाय।